देश भर में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर बंद किए गए पेट्रोल पंप। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप हड़ताल का दिख रहा असर, लोगों को हो रही काफी परेशानी। काफी लोगों को नहीं हड़ताल की जानकारी। हड़ताल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में खुले दिखे रिलायंस के पेट्रोल पंप। संचालकों ने कहा रिलायंस पर लागू नहीं होते नियम, इसलिए हड़ताल में नहीं हुए शामिल। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा अकेले दिल्ली में लॉकडाउन से नहीं होगा फायदा। मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। महेंद्रगढ़ में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। महिला का मिला शव, बच्ची को निकाला गया बाहर। दो की तलाश फिलहाल जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 6 बजे से यह हड़ताल जारी है। और आपको बता दें कल सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आने लगी है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 4 साल से कमीशन न बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर के यह हड़ताल की जा रही है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा सकते हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार और यमुनानगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप बंद नजर आए। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं हड़ताल का जो असर है वो साफ तौर पर हमें देखने को मिला है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से, दूसरी सोनीपत, तीसरी रोहतक, चौथी भिवानी, पांचवी हिसार और छठवीं यमुनानगर से। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की प्रमुख मांगे आखिरकार क्या है। प्रदेश में बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की जा रही है सबसे पहले तो। इसके साथ ही कमीशन बढ़ाने की भी मांग की जा रही है, जिसको लेकर के हड़ताल जारी है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पंप डीलर के नुकसान की भरपाई हो, इसको लेकर के हड़ताल की जा रही है। प्रदेश में वैट को पंजाब के बराबर किया जाए, ये भी एक प्रमुख मांग रखी गई है। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के ये प्रदर्शन, आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से जारी है और कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसके चलते तमाम परेशानियों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो प्रदेश में बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री पर रोक लगाने की प्रमुख मांग बताई जा रही है। इसके साथ ही कमीशन बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पंप डीलर्स के नुकसान की भरपाई हो, इसको लेकर के ये मांग की जा रही है। साथ ही प्रदेश में वैट को पंजाब के बराबर किया जाए। तो ये तमाम प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसको लेकर के ये हड़ताल जो है फिलहाल जारी है। महेंद्रगढ़ में भी सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप 24 घंटे की हड़ताल पर है। 3 मांगों को लेकर के पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल जारी है। प्रशासन की तरफ से सभी पेट्रोल पंप पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं 2 पुलिस कर्मचारी भी लगाए गए हैं। पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि सरकार मनमानी कर रही है। हमारे संवाददाता भालेंद्र यादव ने लोगों से क्या कुछ बातचीत की है, आपको हम दिखाते हैं। हम इस वक्त हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप बजरंग फिलिंग स्टेशन पर खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जो प्रदेश भर में पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है उसका नज़ारा कमोबेश इस तरह यहाँ देखा जा सकता है। जिस तरह से जो मशीनें हैं ये पूरी की पूरी रुकी हुई हैं, क्योंकि आज पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल की बिक्री पूर्णतः आज बंद की गई है पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उनका जो पेट्रोल के जो दाम घटे हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह से टैक्स में कमी की गई है, उसी को चलते उनके कमीशन में भी भारी कटौती की गई है। उसी के चलते पहले से ही हड़ताल की घोषणा की गई थी। हालांकि यहाँ चीज बताते चले कि जरूरी सेवाओं को लेकर, खासतौर पर जिस तरह से पुलिस व्हीकल है या एम्बुलेंस है, इस तरह का कोई व्हीकल आता है तो उनको पेट्रोल देने की छूट रखी गई है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई फ्यूल नहीं दिया जा रहा, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या कोई अन्य उस चीज़ का। बाइक सवार यहाँ पर हैं जिस तरह से तेल लेने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात
करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश जी किस लिए आए हो आप यहाँ? तेल के लिए आए। तो आपको तेल मिला? तेल कहाँ मिला है, नहीं मिला तेल। हड़ताल का नहीं पता था आपको? हड़ताल का तो पता नहीं था, वही तो बात जी। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर किस लिए आए आप यहाँ? तेल के लिए। मिल रहा है आपको? नहीं मिला। तो हड़ताल की पहले से घोषणा थी फिर आपने? पता नहीं था, हम तो काम पे से आए थे, मजदूरी करते हैं, शाम को घर आए थे, पता नहीं था हमें, आप पता ही नहीं था हमें। निश्चित तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मशीनें हैं बिल्कुल बंद पड़ी हैं, तेल नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल पंप कर्मी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश आज हड़ताल है, क्या है पूरा मामला? आज ही हड़ताल है, सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगा जी। जी तो किसी को तेल नहीं दिया जाएगा जरूरी सेवाओं को? नहीं जी, खाली एम्बुलेंस को दिया जाएगा, बाकी किसी नहीं दिया जाएगा। जी जी जी। कल कितनी सेल हुई आपकी यहाँ? कल हमारी सेल हुई जी 500 लीटर की। और दिनों से ज़्यादा हुई है, दोगुनी सेल हुई है। यानी कुछ लोगों ने जो अवेयर थे, जिनको पता था हड़ताल का, वो लोग पहले तेल ले चुके हैं। निश्चित तौर पर तेल लेने के लिए कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है कि उनको तेल नहीं मिल रहा है, लेकिन हड़ताल की सूचना पहले से थी। अब इसी के चलते अब साफ तौर पर जिस तरह से पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि सेल उनकी कल जो बीता दिन है उस पे। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप हड़ताल पर है। पेट्रोल पंप मालिकों की मांग है कि 2007 से उनकी कमीशन नहीं बढ़ाई गई है, उसे बढ़ाया जाए। हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट घटाकर पंजाब के घटे हुए वैट के बराबर कर दिया जाए और नकली डीजल पर भी रोक लगाई जाए। पेट्रोल पंप की हड़ताल के चलते जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे प्रदेश में, हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप आज बंद हैं, क्योंकि बहुत देर से जो हमारी मांगें पेंडिंग चल रही थी उस पर सरकार ने गौर नहीं किया और सभी डीलर्स को पीछे एक्साइज जो भारत सरकार ने घटाई थी उसके एकदम घटाने से भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक्साइज इससे पहले जब भी घटती थी कभी भी आगे डीलर को या कस्टमर को पास ऑन नहीं होती थी। इस बारी हम भी इस खुशी में सम्मिलित थे कि सभी कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा, लेकिन जब रात को हमें ये पता लगा कि 12 बजे के बाद एक्साइज का लॉस हमें सहना पड़ेगा तो हमारी दिवाली और खुशी सारी धरी की धरी रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम पेट्रोल पंप की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4 मांगों को लेकर के पेट्रोल पंप यूनियन हड़ताल कर रही है। सुबह 6 बजे से लेकर 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट, एक्साइज ड्यूटी और नकली डीजल पर रोक और डीलर्स का कमीशन दिए जाने की मांग को लेकर के ये हड़ताल प्रदेश भर में जारी है। तो गुरुग्राम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम प्रमुख मांगों को लेकर के हड़ताल चल रही है। अब हमें घूम के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जगह भी ऐसे बंद हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सर प्रॉब्लम पेट्रोल पंप तो सारी जगह बंद है, प्राइवेट पेट्रोल सारे पंप सारे बंद है। इस हिसाब से तो आज के दिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, करना पड़ेगा सबों को। तो आप कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जाना था के। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको? परेशानी यही होगी, आज जाना कैंसिल हो सकता है, पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे तो अपने घर बैठे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण के खराब होते स्तर पर फिर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन से ही हालात पर काबू पाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने को तैयार है। आपको बता दें कि शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार को ये विकल्प बताया, जिस पर आज सरकार ने फैसला भी ले लिया है। सरकार ने इस दौरान बताया है कि उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुझाव भी दिया है, कई प्रस्ताव भी सामने रखे गए हैं।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जो सुनवाई है वो एक बार फिर से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कई प्रस्ताव भी सामने रखे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया, एक बार लॉकडाउन पर फिर से उन्होंने बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन से ही हालात पर अब काबू पाया जा सकता है, और क्या कुछ कहा गया है वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया है। तो फिलहाल बयान में यही बातें कही गई हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन से ही जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं। इस पूरे मामले पर सरकार ने आज फैसला भी ले लिया है। सरकार ने इस दौरान बताया है कि उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कदम हैं जो उठाए हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार आदेश के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर लगातार सख्त तेवर अपना रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पराली जलाने वाले 7 किसानों पर जुर्माना लगाया है। सभी किसानों पर 2500 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि 31 जगहों पर आग लगाई गई थी, जिसमें 7 जगहों पर किसान पराली में आग लगाते हुए मिले थे। वहीं विभाग ने गोहाना कथुरा मुंडाला ब्लॉक में निगरानी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। पराली जलाने वाले पर आपको बता दें कि प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो महेंद्रगढ़ में एक हादसा हो गया, जहां आपको बता दें कि कार में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल बताए जा रहे थे, जिसमें से महिला की मौत हो गई। एक बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। तो महेंद्रगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नहर में कार गिर गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ढाई बजे से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह एक गाड़ी नहर में गिर गया। जैसे हम मौके पर पहुंचे, एक लड़की मिली, उस लड़की ने बताया मेरे मम्मी पापा और भाई और मैं खुद शादी समारोह से फारिग हो गए और अपने घर जा रहे थे रामगढ़। ओवरटेक करते समय या पता नहीं ओवरटेक हुआ या कैसे हुआ या नहीं रहा, उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। ये लगभग 2 बजे की घटना है जी। 2 बजे लग वही गाड़ी से कहीं शादी से आए हैं जी, और इसमें 4 परिवार के सदस्य थे, और गाड़ी अचानक कैसे नींद में थे, कैसे हुआ हादसा और गाड़ी सीधी नहर के अंदर चली गई। उसके बाद बच्ची जो छोटी बच्ची जो थी इनके साथ, वो कैसे जैसे तैसे करके नहर से बाहर निकली है, और निकल करके वो रोड पे आई है। रोड पे उसने 7 वालों व्हीकल्स को रुकवा करके उसे हादसे की जानकारी दी, और उसके बाद कुछ जानकार भी थे जिस शादी में गए, वहीं से कुछ लोग आए तो उन्होंने इस बारे में आपस में जानकारी दी, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। तो रात को ही जो ना 3 बजे के आसपास SDM महोदय और सारे प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच चुकी, जब से ही बचाव कार्य में लगे। काफ़ी सारे लोगों जिनको भी पता सूचना मिली तभी मौके पर लोग आ गए। करीब 2:30 बजे के टाइम में SO साहब का मेरे पास फोन आया, अगर आप ऐसे ऐसे गाड़ी नहर में गिर गए हैं और उसमें बंदे हैं, वहाँ से हम तुरंत आए और वहाँ पता लगा। तो लड़की से हमने पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि भाई हम अग्यार गांव में शादी में गए हुए और इनका परिवार जो है वो रामगढ़ गाँव का है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी गाड़ी पड़ गई, तो मेरे पापा ने भी कुछ हिस्सा तोड़ा और मेरे को और बच्चे को निकालने की कोशिश की, तो मैं तो पंप के सारे निकल गई और वो नहीं बच पाया।
फरीदाबाद के प्रथला में स्कूल सरकार के आदेशों का पालन करते हुए नजर आए। स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 17 तक स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। फरीदाबाद में पॉल्यूशन लेवल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं अभी हूँ प्रथला विधानसभा के मचगर गांव में, जहाँ पर एक स्कूल को देखने के लिए आए हैं हम कि सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनका कितना पालन किया जा रहा है। मैं पहुँचा हूँ मचगर में, या आप देख पाएंगे मेरे पीछे अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, जो कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर 17 तारीख तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। बच्चों को हिदायत देकर घर पे भेजा गया है कि अपने घर पर रहें, क्योंकि इस समय फरीदाबाद का जो हवा है, जो फरीदाबाद के वातावरण की बात करें हम, बहुत ही जहरीला हो चुका है। प्रथला विधानसभा से हर खबर हरियाणा के लिए धीरज कौशिक। अगली खबर का रुख करते हैं रेवाड़ी। शराब ठेकों से कलेक्शन कर लौट रहे सेल्समैन को बदमाशों ने लूटा। बदमाशों ने 4,35,000 की नकदी और बाइक लेकर के वे फरार हो गए। सूचना के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी भी की गई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। रेवाड़ी से मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्शन कर पर लौट रहे सेल्समैन को बदमाशों ने, बताया जा रहा है कि लूट लिया। बदमाशों ने 4,35,000 की नकदी और बाइक लेकर के वे फरार हो गए। फिलहाल बदमाशों का अभी कुछ भी पता नहीं लग पाया है। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बियॉन्ड्स की ओर से पांडे को बुक फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस को लॉन्च किया गया। बुक शहीदों और वीर नारियों को समर्पित की गई है और उनके जीवन को दर्शाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल की ओर से किया गया। इस मौके पर शेल ग्रुप के चेयरमैन रोहित जिनेन्द्र जैन समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। ये बुक्स इन बियॉन्ड फरीदाबाद की तरफ से रखा हुआ इवेंट था और ये मेरी फरीदाबाद में जो बुक लॉन्चिंग हो रही है ये उसकी वजह उसके लिए रखा गया था। और यहाँ पे हमने वीर नारियों की बात करी, हमारी वीर फैमिलीज यहाँ पे आई थी, सोल्जर्स की फैमिलीज आई थी और हमने चर्चा की कि क्यों जो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेज है, जो कि मेरी किताब का टाइटल भी है, इम्पॉर्टेंट है नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए जानना, और क्यों एक नेशन को ग्रेटफुल होना चाहिए जो वुमेन बिहाइंड द फोर्सेज है, जो सोल्जर्स के लिए इतना करती हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो एंड आईड लाइक टू थैंक द बुक्स एंड बियॉन्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट ऑफ दिस स्केल। दिस इज अमेजिंग। आज कार्यक्रम था बुक्स एंड बियॉन्ड, एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फरीदाबाद में स्थित है और ये ऑर्गेनाइजेशन आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम करती है। तो आज का प्रोग्राम था एक बुक लॉन्च, स्वप्निल पांडे की ये किताब थी। इस किताब का नाम है द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। सो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि फोर्स है, ये एक ताकत है और वो ताकत है वीर नारी।
तो स्वप्निल पांडे ने ये किताब लिखी है। फरीदाबाद से खबर सामने आई जहां श्वेता अग्रवाल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। शहीदों वीर नारियों को ये किताब समर्पित की गई है। यमुनानगर के कपाल मोचन में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली। उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि कपाल मोचन मेले में कोई कसर बाकी ना रह जाए, सभी अधिकारी पूरी श्रद्धा से अपनी ड्यूटी करें। मेला कपाल मोचन का समापन 19 नवंबर को होगा और मेला में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी 20 नवंबर तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और ड्यूटी में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। उसके लिए जी आज जो है सारी तैयारियां हमारी इन प्लेस होनी चाहिए। बाबू निर्देश दिए गए थे कि 13 तारीख तक हमें सारी तैयारियां पूरी करनी है। और मुझे अभी जो रिव्यू मैंने मीटिंग दी है उसमें मुझे जान के बराबर उत्साहवर्धन भी हुआ है कि ज़्यादातर बाबू ने अपने काम को जो है सीरियसली लेते हुए मैक्सिमम तैयारी जो पूरी कर ली है। अब जो है मैं सारे जो है मेले परिसर का राउंड लेके मैं बस वो इंश्योर करने जाता हूँ कि जो बातें हमारी मीटिंग डिस्कस हुई है वो मौके में अवेलेबल है। यमुनानगर में कपाल मोचन में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली है और वहीं सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। पलवल में मित्रोल गांव के पास NH-19 पर एक प्राइवेट बस नियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसा देर रात को हुआ है और बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर नशे में बस चला रहा था और लापरवाही के चलते बस बिजली के तारों से जा टकराई। वहीं हादसे के दौरान बस में 100 से ज्यादा यात्री मौजूद बताए जा रहे थे। इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीस से 32 सवारी आई थी जो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आए थे, बहुत ज्यादा वुंड थे, उनको जख्म थे, बट वो मैनेज है। सारे मरीज जितने भी आए थे सारे मरीज मैनेज है, अभी उनको सब मैनेज कर दिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है उनका। यदि कोई मरीज ज्यादा सिक लगेगा तो उसे रेफर करेंगे नहीं, अभी हमने सब कुछ कवर अप लिया अपने। तो किसी की हालत अभी क्रिटिकल नहीं है? अभी किसी की क्रिटिकल हालत नहीं है। कोई इसमें कम से कम 6 से 7 बच्चे हैं, 15-16 महिला है, 15 से 16 और बाकी जेंट्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतिया में देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर हुई। टक्कर में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे से शहर में मातम का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। तो रतिया में देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो रतिया से यह हादसा सामने आया, जैसे कि जानकारी दी, ट्रक चालक इस हादसे के बाद से मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे कर रही है, लेकिन बेहद दुखद बात यह है कि मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा सरकार की खेल नीति से खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं। खेलों में काफी सुधार किए जा रहे हैं। खेलों को महत्व देते हुए नए स्टेडियम भी बनाए गए हैं जिससे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा भी मिल रही है और अच्छे कोच भी सरकार खिलाड़ियों को दे रही है। यही वजह है कि खिलाड़ियों की खेलों के लिए रुचि काफी ज्यादा बढ़ रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या पैरालंपिक की, सभी खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है और देश के लिए काफी मेडल भी हासिल किए हैं।
तो वहीं हरियाणा सरकार की खेल नीति से जैसा कि जानकारी आपको दी, खिलाड़ी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। खेलों में काफी ज्यादा अब सुधार भी किए गए हैं पहले से ज्यादा, और खेलों को अब देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा जो महत्व है अब दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में भी काफी ज्यादा रुचि और देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा खुशी भी अब उनके चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सुविधाएं भी हैं जो सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को अब दी जा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।